ओके सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर चैप्टर विच आई ऑलरेडी हाफ हैव कम्प्लीटेड दैट इज वर्ब. ओके नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ वर्ब नाउ गाइज टेल मी वॉट इज वर्ब. कौन बताएगा वर्ब? हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये, हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते फॉर द न्यू पीपल. वर्ब याद आ रहा है क्या है? फॉर एग्जाम्पल कैन यू ऑल सी दिस? क्या ये मार्कर दिख रहा है सबको? ये मैंने ऐसे फेंक दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? सपोज आई एम थ्रोइंग द मार्कर, देन व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्शन. ओके सो बेसिकली वर्ब इज एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग, राइट? स्पीकिंग इज एन एक्शन. यू ऑल आर लिसनिंग, लिसनिंग इज एन एक्शन. क्लैपिंग इज एन एक्शन. ये सारा क्या होता है? वर्ब. ठीक है, अब मुझे बताओ तुम लोग कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, सोच के बताओ जल्दी. सबको सोचना है. सोचा सबने? यस मैम. हाँ बताओ, आंसर बताओ. बिकॉज टू टाइप्स होते हैं. क्या, कौन से होते हैं? मॉडल एंड ऑक्सिलरी. और कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब होता है, एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब. लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, किसी को याद है? वरुण, आदित्य, प्रथमेश, सारा. ओके सारा इज न्यू विद अस. राहुल, वेदांत, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज ट्रांसिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? ओके कैन यू ऑल सी द स्क्रीन गाइस? दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाँ मिस. ओके फाइन. बिफोर वी स्टार्ट गाइस, फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला आई होप सबको समझा होगा. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल वन सेंटेंस. तुम लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि उसमें वर्ब क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल गर्ल इज डांसिंग. ओके देर इज अ गर्ल इज डांसिंग. इसमें से वर्ब कौन सा है बताओ जल्दी. डांसिंग क्या हो गया? डांसिंग. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सारा. व्हाट इज डांसिंग? डांसिंग इज अ वर्ब. ठीक है, एक मिनट. यस मैम. ओके फाइन. वर्ब क्या था? वर्ब इज एन एक्शन. ये सबको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हम लोग. ओके लास्ट टाइम गाइज, लास्ट टाइम हमने देखा था फाइनाइट वर्ब देखा था, इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब देखा था, ट्रांजिटिव वर्ब देखा था और इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन. ओके दीज वर्ब्स आर यूजुअली दीज वर्ब्स आर यूजुअली द मेन वर्ब ऑफ द क्लॉज और द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, शी वॉक्ड होम. फाइनाइट मतलब क्या हो रहा है कि कहाँ जा रही है वो स्पेसिफाई किया है. शी वॉक्ड होम, सो व्हाट इज दिस? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट. ठीक है, इनफाइनाइट में देखते हैं या फिर हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट में तुम लोगों के तीन टाइप्स है. क्या क्या है? इनफाइनाइट, जीरेंट एंड पार्टिसिपल. ओके आई एम गोइंग लिटिल फास्ट गाइज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस. दोज ऑल हैव मिस दिस चैप्टर, दिस प्रीवियस लेक्चर गाइज, यू ऑल कैन गो टू यूट्यूब एंड यू ऑल कैन सर्च वर्ब बाय रिबेका मैम, तो आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब था, जेरेंट था एंड पार्टिसिपल था. इनफाइनाइट, जेरेंट, पार्टिसिपल एक बार रीड कर लेना. मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ग्रुप में. वापस अगर चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में. ठीक है, नाउ गाइज लेट्स मूव अहेड एंड गो टू आर टूडेज टॉपिक विच इज योर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. भी हो गया था, याद है तुम लोगों को, हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन एक्शन, इफ रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जिसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट इज योर ट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स, ठीक है, शी सिंग्स जनगण मन. ये एग्जाम्पल था लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दिया था. शी सिंग्स जनगण, योर ऑब्जेक्ट इज जनगण इज गिवन, दैट्स द रीजन. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मतलब शी सिंग्स, जस्ट इतना दिया है कि शी सिंग्स,
सो दैट वुड बिकम वॉट इंट्रांजिटिव. ठीक है, आई होप गाइस दिस मच इज क्लियर. सारा एंड रेस्ट अदर्स. यस मैम. ओके, नाउ गाइस कमिंग बैक टू आर टुडेज टॉपिक दैट इज आफ्टर दिस दैट इज मोडल्स. ठीक है, मोडल्स किया है क्या हमने लास्ट लेक्चर में, कोई बता सकता है मुझे? वरुण किया था क्या? हाँ मिस, ये हो गया था क्या मोडल्स? ठीक है, मोडल्स क्या था गाइस? मोडल्स इज यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन एनी सेंटेंस एंड दैट डिपेंड्स. ओके, मोडल्स आई थिंक हो गया था शायद. इसके बाद है हमारा ओके ये वाला हुआ था क्या, शुड का? ओके, आई थिंक गाइस वी हैव डन टिल हियर. ओके, कैन यू ऑल टेल मी, यहां तक हुआ था शायद हमारा, माइट तक हुआ है. हाँ मिस. ओके, माइट तक, माइट के आगे से हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ गाइस देयर आर थ्री टाइप्स. ठीक है, पहला आता है मे, सेकेंड आता है माइट एंड थर्ड आता है मस्ट. तुम लोगों ने सुना है इसको कभी, मे माइट और मस्ट सुना है कभी? ओके, मे माइट एंड मस्ट का मतलब क्या होता है मैं तुम लोगों को बताती हूँ. एंड फर्स्ट इज योर मे, ओके, सेकेंड इज योर माइट एंड थर्ड इज व्हाट, मस्ट. गाइस दिस व्हाटएवर आई एम राइटिंग, इज दिस विजिबल फॉर यू ऑल? कैन यू ऑल जस्ट कंफर्म कि दूसरा कलर ले लूँ? एक काम करती हूँ, रेड लेती हूँ. ओके, पहला है मे, फर्स्ट इज मे, सेकेंड इज माइट एंड थर्ड इज वॉट, मस्ट. ठीक है, जैसे सपोज कि एक एक लड़का है, देर इज वन बॉय जो डेली ना क्लास में आता है, अपने IBOP एकेडमी में आता है. कैसे आता है? ओके, मैं एक कार बना रही हूँ, आई एम सॉरी अगर मेरा डायग्राम गलत होता है तो, फिर कार नहीं लग रहा है, वैन लग रहा है, बट ठीक है, ये समझ जाओ तुम लोग. हाँ, ये कार में आता है, डेली 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 क्लास में आता है. किससे आता है? कार से आता है. ठीक है, तो अभी ना हम बैठ के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि द बॉय हु इज कमिंग बाय कार एवरी डे, तो या तो वो क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है. ठीक है, हो सकता है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है. तो जो कम पॉसिबिलिटी होता है ना, एकदम कम पॉसिबिलिटी, दैट इज योर मे. लेट मी राइट इट ओवर हियर गाइस. मे इज व्हाट, वेरी लेस पॉसिबिलिटी. क्या होता है? एकदम लेस पॉसिबिलिटी. ओके, एंड माइट क्या होता है? थोड़ा सा मोर पॉसिबिलिटी. ओके, एंड मस्ट मतलब होता है 100% ट्रू. ओके, आई होप दिस यू आर गेटिंग दिस गाइस. ये अपना रीजनिंग में भी काम आएगा. ठीक है, तुम लोगों को इंग्लिश का सुन लो फिलहाल. मे मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी, माइट मतलब होता है मोर पॉसिबिलिटी, एंड मस्ट का मतलब होता है 100% पॉसिबिलिटी. ठीक है, हमने देखा कि लड़का क्या हुआ, ट्रेन बोल रही हो, कार से उतर गया. तो हम लोग सोच रहे मन में कि हो सकता है ना ये अमीर हो सकता है किसी अंकल ने इसको लिफ्ट दिया हो, ऐसा का हम लोग सोच रहे. तो वो क्या होगा? मे. मे मतलब कम पॉसिबिलिटी. माइट मतलब थोड़ा पॉसिबिलिटी. माइट में कैसा होगा? हो सकता है कि वो अमीर हो या नहीं हो. लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि ही मस्ट बी रिच, दैट मीन्स कंपल्सरी है कि वो रिच है ही. ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? एवरीवन क्लियर गाइस? यस मैम. ओके ओके वरुण, ओके फाइन. नाउ गाइस मस्ट मतलब होता है डेफिनेटली ट्रू, यू कैन से डेफिनेटली ट्रू. माइट मतलब होता है यू नो डाइसी, 50% ट्रू भी हो सकता है, 50% फॉल्स भी हो सकता है. मे का मतलब होता है 10% और नथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज योर मे. नाउ वी कैन सी द फोर्थ एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर गाइस. आई वॉन्ट 1-1 person टू रीड दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम विकास. विकास सहानी, कैन यू रीड दिस? रीड करो ये वाला, एक एक जन एक एक एग्जाम्पल रीड करे, एक और विद द क्या बोलते हैं, मसाला गिवन. यस, माइट कैन बी यूज टू डिनोट पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ. माइट ऑल्सो डिनोट सजेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ट्राई अ लिटिल
मोर सॉल्ट इन द करी नेक्स्ट टाइम. ओके, माइट का मतलब होता है सजेशन. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये आप ये करो तो आपके लिए अच्छा होगा, दैट माइट कैन ऑल्सो डिनोट अ सजेशन. नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल कौन पड़ेगा? वरुण. वरुण राठौड. मस्ट डिनोट्स नेसेसिटी. फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट स्लीप फॉर 8 to 10 hours. Must is also used to denote strong possibility. For example, he looks quite sad. He must have failed. Okay, next. Aditya. Yes, ma'am. Please read. Would is used to refer to further time. For example, I would love to see you tomorrow. Would is used also used to denote choice. Yes. For example, I would prefer tea to coffee. Would is also used to make a request. For example, would you please lend me 10 rupees? Would is also used to express wish. For example, I wish I would success in my life. Would is also used to express an opinion. For example, I think he would pass the test. ओके फाइन, थैंक यू आदित्य. ओके सो गाइज, वुड का क्या क्या यूजेस है, हम लोग एक साथ मेरे साथ तुम लोग बोलते जाओ. वुड इज यूज टू रिफर व्हाट? फ्यूचर टाइम. ठीक है, ऐसा हो सकता है आई वुड बिकम रिच, आई वुड बिकम बिलियनर और एनीथिंग विच यू ऑल विश टू. नेक्स्ट है वुड का क्या हो सकता है कि वुड चॉइस. ठीक है, मेरे पास दो चॉइसेस है, दोनों में से मैं एक चूज करने को. वुड क्या हो सकता है? चॉइस. नेक्स्ट इज वुड इज यूज टू डिनोट व्हाट? रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है, विश के लिए हो सकता है एंड ओपिनियन के लिए हो सकता है. आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ गाइस, वन रूल विच वी हैव टू रिमेंबर इन दिस, एक हम लोगों का ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जिसमें वुड इज ऑल्सो यूज टू डिनोट चॉइस, उसमें आई वुड प्रिफर टी टू कॉफी, इसमें एक रूल है जो तुम लोग को याद रखना है, एंड दैट इज कि प्रिफर और यू कैन से प्रिफरेबल. प्रीफर, ओके, प्रीफर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रीफरेबल. इसके साथ हमेशा क्या आएगा? टू. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. प्रीफर एंड प्रीफरेबल के साथ हमेशा क्या आएगा? टू. ठीक है, ओके फाइन. नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Guys, whatever we are learning in the class, I am sending the screenshots in the group. Which group? English by Ravi Ranjan sir का जो group है उसमें मैं भेज रही हूँ. So no need to write in the class. That's a positive thing for you all. Fine. Next. Next, who is going to read? Sara? Yes, ma'am. Did you read? Yeah, please. Seven. Seven. Should. Should is used to denote. Okay, just a minute, Sara. Just a minute, Sara. There is one correction, guys. When we are pronouncing would, should, जो है ना pronounce करते हैं हम लोग, we should not say should. कैसा होना चाहिए? होना चाहिए should. ठीक है? L नहीं बोलना है. ठीक है, Sara? Should. Yes, very good. Should is used to denote duty. For example, you should respect your teachers. Should is also used to express an advice. For example, you should work hard to pass the exam. Note, conjunction list is generally followed by should. For example, work hard lest you should fail. Okay, next. सो शुड किसके लिए डिनोट करता है? ड्यूटी के लिए. यू शुड, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. ओके नेक्स्ट इज शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एन एडवाइस. ठीक है, एडवाइस वुड भी एडवाइस के लिए था अगर याद होगा तुम लोगों को तो. ठीक है, नेक्स्ट है. नेक्स्ट वन थिंग गाइस विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ये चैप्टर कंजंक्शन का है, वो है ये वाला. लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड. ठीक है, लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड. नेक्स्ट इज ऑटू. ऑटू ओमकार, कैन यू रीड दिस? ऑटू एट्थ वाला. ओमकार. यस मैम. या ऑटू इज यूज टू डोनेट मोरल ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल यू ऑटू टू हेल्प, यू ऑटू हेल्प पुअर्स. वी ऑट
not to disrespect our elders. ओके थैंक यू. सो गाइज ऑट टू डिनोट करता है मॉरल ड्यूटी. ओके वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन. ठीक है वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन. ये हमारा क्या है मॉरल ड्यूटी है राइट. नेक्स्ट नेक्स्ट वेदांत. वेदांत कैन यू रीड द नेक्स्ट वन. नाइंथ यूज्ड टू इज यूज्ड टू डिनोट समथिंग दैट इज डन और एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट बट इज नो लॉन्गर डन और एक्सपीरियंस्ड. फॉर एग्जाम्पल I used to play cricket, but now I don't like it. I did not used to eat egg. ऐसा तुम लोग करते हो क्या? अंडा वंडा खाना छोड़ दिया. Okay, I used to eat egg, but I don't. Used to is kind of a past thing, जो हम लोग अभी नहीं करते है ना. For example, हम लोग बचपन में कितने बजे उठते थे पढ़ने के लिए? कितने बजे उठते थे तुम लोग पढ़ने के लिए बताओ मेरे को. जल्दी उठते थे ना 4 बजे या 5 बजे जो भी है. सो वी यूज टू गेट अप राइज अर्ली इन द मॉर्निंग बट नाउ वी डोंट. ये हो गया हमारा फ्यूचर हैबिट. नेक्स्ट नेक्स्ट विकास कैन यू रीड द 10th वन. यस मैम. डेयर. डेयर इज यूज्ड टू डिनोट चैलेंज और करेज. फॉर एग्जांपल नोबडी डेयर्स टू सपोज ही दे डेयर नॉट आस्क फॉर एनी फर्दर लोन. ओके फाइन. डेयर मतलब तो तुम लोगों को आता है ना. स्टेयर डेयर ट्रूथ खेला होगा ना तुम लोगों ने बचपन में. डेयर क्या होता है? चैलेंज या करेज. दिस इज इजी राइट. नेक्स्ट राहुल 11th वन. ओके फाइन. आई थिंक राहुल इज गेटिंग सम नेटवर्क इश्यूज. वैभव वैभव पढ़ो नेक्स्ट वाला 11th वाला. Need donates requirements. For example, I need to buy a new house. You need not to take off your blazer. Need तो सबको है ना. अपन सबको need है. वही है need. वही वाला need है ये. ठीक है. This is very easy. Now next is your, I guess last. ये last रहेगा. फिर उसके बाद हम लोग question and answers करेंगे. ठीक है. वरुण 12th one. Will is used to talk about the future. For example, Ravi will call you tomorrow. Will is used to make a request. For example, will you give me your phone? Okay, fine. There is one thing, guys, which is not mentioned in the example given over here. Will shows the determination also. जैसे तुम लोगों का सबका एग्जाम कभी है November 14th को है राइट. तो will हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को ना एग्जाम पास करके दिखाओ दिखाऊंगा मैं. मतलब आई विल डू दैट. आई विल अचीव दैट. दैट इज योर डिटर्मिनेशन. सो विल ऑल्सो डिनोट्स वॉट डिटर्मिनेशन. या फिर विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एज वेल एंड विल ऑल्सो डिनोट्स वॉट रिक्वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट वेदांत 13th. Shall is used instead of will when the subject is first person. I and we. For example, I shall go to school tomorrow. Note, in modern English, will can be used with both I and will as well. Okay, thank you. So, shall is used instead of will and subject is the first person. मतलब subject में क्या आना चाहिए? I and we आना चाहिए. ठीक है? ये क्या बोल रहा है? Will can be used with both I and will as well. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Now guys, coming to your question and answers. If suppose तुम लोगों का आंसर नहीं आया तो भी ट्राई करो चलेगा. रॉन्ग हुआ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो. बताऊँ मैं तुम लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं? सिर्फ मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. सो गाइज दिस इज द सेम पैटर्न जिस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द एरर इन द पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है. सो गाइज जो मेरा ये स्लैश दिख रहा है ही इज वेरी ये स्लैश दिख रहा है. स्लैश का वो पार्ट क्या है? ए है. ये वाला पार्ट क्या है? बी है. इफ यू थिंक देर इज नो एरर तो उन लोगों का आंसर क्या आएगा? नो एरर. ठीक है. फटाक से सॉल्व करके बताओ मेरे को आंसर.
एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व आ जल्दी बताओ आंसर बी वरुण इज सेइंग बी व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स बी लग रहा है सबको बी लॉक किया जाए ठीक है तो देख लो आंसर क्या है तुम्हारा आंसर ओके सो आंसर इज डी आंसर है डी इसका कोई करेक्शन है ही नहीं इसमें ठीक है नो करेक्शन रिक्वायर्ड ठीक है जब भी तुम लोग एरर डिटेक्शन करोगे ना गाइस सॉल्व तो उसमें हमें ये देखना है कि कहाँ पे विल आना चाहिए कहाँ पे शुड आना चाहिए कहाँ पे माइट आना चाहिए कहाँ पे मस्ट आना चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है ग्रामर टेंस वगैरह कोई एरर नहीं देखना है सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है वर्ब का एरर देखना है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर फर्स्ट में क्या है नो एरर ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू हिज नेम अच्छा वाई डिड यू ऑल फील द आंसर शुड बी बी गाइज क्या होना चाहिए करेक्शन क्या लग रहा है तुम लोगों को बताओ मुझे विकास क्या लग रहा था आंसर बी क्यों लग रहा था ही इज वेरी ड्रिंकिंग नहीं आएगा ना वो गलत हो जाएगा सेंटेंस ही इज वेरी ड्रिंकिंग अगर सपोज ड्रिंकिंग बनाना है तो हम लोग सेंटेंस को वेरी हटा देंगे हम लोग क्या बोलेंगे ही इज ड्रिंकिंग ठीक है दैट वुड बी इन योर कंटिन्यूअस टेंस ही इज वेरी ड्रंक मतलब क्या बोलते हैं पियक्कड़ जो भी है वो ही इज वेरी ड्रंक बहुत ज्यादा पियक्कड़ है वैसा बोल सकते हैं हम लोग ठीक है क्लियर विकास एंड रेस्ट अदर्स एनी वन हैविंग एनी डाउट ओके नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करो जल्दी डन एवरी वन जिन लोगों के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है सी लग रहा है क्या ठीक है जिन लोगों का नेटवर्क इशू है वो लोग इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दो वरुण इज सेइंग डी ओके व्हाट अबाउट रेस्ट सिर्फ दो लोगों का आंसर आएगा गाइस आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन विकास ई बोल रहा है सबका आंसर अलग अलग आ रहा है क्या बात है और बाकी लोग ओमकार आंसर ओमकार ई आदित्य ई नो एरर हाँ पहला आंसर नो एरर आया मतलब इसका मतलब आगे का भी नो एरर नहीं होता है यार सॉल्व करो ओके फाइन अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी नो एरर देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर है बी बी कितने लोगों ने बोला था बी 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 किसी ने बोला था क्या आदित्य ने क्या बोला था किसी ने तो बी वरुण ने हाँ वरुण वरुण वेरी गुड क्लैप फॉर वरुण गाइस वरुण यू आर राइट द आंसर इज बी बी मतलब चेंज बेंट टू हार्म ऑन बेंटिंग मैंने डी बोला अच्छा डी बोला था ठीक है ताली वापस लेते हैं अपन हाँ और बाकी किसी ने सही बोला था सारा बाकी लोग कहाँ गए नो मैम ठीक है सब लोग गलत हो हाँ मैम वेरी कैसे आएगा कहाँ पे वेरी है सारा कौन सा बोल रहे हो
मैम ऊपर स्लाइड. अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन यू आर सेइंग ये वाला क्या, फर्स्ट वाला क्या, दिस वन? नो मैम सेकंड वन. सेकंड में वेरी कैसे आया? ओके देखते हम लोग सेकेंड वाला क्या बोल रहा है. अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. वेरी कैसे आया? वेरी इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ यर एज एन एडवर्ब. ठीक है जैसे बोलते हैं ना हम लोग टॉप मतलब ऊपर से ऐसे ये कर रहे हैं मसाला डाल रहे हैं वैसे टाइप. सो वेरी फाउंडेशन दैट इज अ यू नो टू मेक द सेंटेंस लुक गुड दे हैव एडेड वेरी. वेरी रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट आंसर यहाँ पे वेरी सही है. ठीक है यहाँ पे क्या रॉन्ग है? आंसर रॉन्ग है बी. वो क्या बोल रहा है कि अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा बेंट टू हार्मिंग होगा राइट यही बोल रहा है ना. सी चेंज बेंट टू हार्म ऑन बेंट टू हार्मिंग. बेंट बेंट ऑन मीन्स डिटरमाइन टू डू समथिंग. ओके बेंट टू हार्म नहीं होगा क्या होगा बेंट टू हार्मिंग द वेरी फाउंडेशन. समझ में आ रहा है कुछ के ऊपर से जा रहा है. तुम लोगों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया है. समझ गया मैम. अच्छा समझ गए. ओह माय गॉड वेरी गुड. ओके सो आंसर हियर इज टू का आंसर इज बी. ठीक है नेक्स्ट फास्ट फास्ट सॉल्व करो गाइस. वी हैव आई गेस 25 क्वेश्चंस क्विक. सीवियर आई मैम ई ई लग रहा है. नेक्स्ट बाकी लोग वरुण इज सेइंग ए. आदित्य व्हाट आर यू सेइंग? वरुण इज सेइंग ए यू शुड अवॉइड. यू शुड. ओके फाइन गाइज एक क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड कर. ओमकार इज ऑल्सो सेइंग ए. ओके सी गाइज एक क्वेश्चन को ना हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड देंगे और खत्म करेंगे जल्दी जल्दी. ठीक है ओके. यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन. इसका आंसर ए नहीं होगा. ए सही है यू शुड अवॉइड. ठीक है यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज मस्ट नहीं आ सकता. यू मस्ट अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन. हम लोग ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते ना किसी पे कि नहीं तुझे नहीं जा सकता है ऑफिस क्योंकि आई इन्फेक्शन है. वो बोलेगा मैं चश्मा पहन के जाता हूँ ऐसे भी बोल सकता है ना वो. समझ में आ रहा है? ठीक है मिस. हाँ तो ये इसमें ए गलत नहीं है. आगे सोचो और बताओ कि क्या गलत हो सकता है. ओके सो गाइज आंसर आएगा यहाँ पे. आंसर आएगा क्या आएगा? टू गो नहीं आएगा यहाँ पे आएगा गोइंग. ठीक है क्या आएगा आंसर? गोइंग. तुम लोगों ने जीरेंड वाला जो है वो मैं एक बार सर्च करके मैं तुम लोगों को बताती हूँ. जीरेंड सीयर जीरेंड में हमने पढ़ा था जहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अवॉइड के बाद आएगा आई एन जी फॉर्म. ठीक है जस्ट अ मिनट. ओके इट इज अ जीरेंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आई एन जी टू अ वर्ब. ठीक है स्विमिंग आई एन जी देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अवॉइड के बाद हमारा कौन सा फॉर्म आना चाहिए? आई एन जी फॉर्म आना चाहिए. ठीक है एक मिनट हम लोग वहां पे जाते हैं जहाँ पे थे. कौन सा क्वेश्चन था वो? थर्ड था राइट. आई थिंक वी हैव गॉन वे टू फार.
ओके आई होप दिस इज क्लियर गाइस. बी आएगा आंसर, आंसर आएगा चेंज टू गो टू गोइंग बिकॉज जिरंड कम्स आफ्टर अवॉइड. ठीक है, ये याद रखना है तुम लोगों को, अवॉइड के बाद आएगा आईएनजी. सो आंसर हमारा ये हो जाता है, यू शुड अवॉइड गोइंग टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन. क्लियर एवरीवन? क्लियर? टाइप यस, नो, मे बी. ओके फाइन, क्लियर. ओके गाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फोर्थ का क्वेश्चन है, एवरी वन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड. क्विकली गिव मी द आंसर गाइज. ओमकार इज सेइंग ई. ओके, रेस्ट अदर्स. ई आदित्य, ई. तुम लोग कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे का आंसर? डी. ओके, विकास का अलग आया आंसर थोड़ा. ओके, सो लेट मी टेल यू ऑल गाइस, तुम लोगों का तुक्का जो है वो गलत बैठ गया है. यहाँ पे आंसर आएगा ए. ठीक है, एवरी वन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड. आंसर इज ए. ए क्यू आएगा, एवरी वन कंसिडर्ड हिम अ ब्रेव मैन. ठीक है, कंसिडर्ड के बाद क्या नहीं आता है? एज नहीं आता है. ठीक है, यहाँ पे देख लो आंसर. सो रिमूव, क्या रिमूव करना है? एज, एज रिमूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव. My father does not mind to be disturbed while he is reading. Does not mind to be disturbed while he is reading the newspaper. Answer बताओ जल्दी जल्दी. बी. ओके, वेरी गुड वरुण, यू आर राइट. व्हाट अबाउट रेस्ट? सो नाउ वरुण हैज सेड बी, मतलब बाकी सब लोग बी बोलेंगे. नहीं, ओके, सो द आंसर इज बी. यहाँ पे आंसर क्या आएगा मैं दिखाती हूँ, एक मिनट तुम लोगों को आंसर इसका. आंसर इज जिरेंड विल कम आफ्टर माइंड, चेंज बी इंटू बींग. ओके, यहाँ पे देख रहे हो, माई फादर डज नॉट माइंड टू बींग हटा के, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, बींग डिस्टर्ब, या फिर टू बींग डिस्टर्ब वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज पेपर. ठीक है, हमें क्या यूज करना है? जिरेंड यूज करना है. ठीक है, आफ्टर माइंड. ओके, आफ्टर माइंड. ओके, सो नो नीड टू राइट टू गाइज. यहाँ इसको पूरा कट करके ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर डज नॉट माइंड बींग डिस्टर्ब. ओके, क्लियर एवरी वन? सो द मो यू ऑल सॉल्व द क्वेश्चन गाइज, मो यू ऑल योर कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर. सो प्लीज सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स गोज लाइक दिस, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार एंड अ जीप बिसाइड्स अ बिग हाउस इन अ गुड लोकेलिटी. ओके, आंसर बताओ. बी मैम. बी आएगा आंसर, सही है. यस मैम. विकास, वेरी गुड. और कौन बोल रहा है? बी विकास ही बोल रहा है बस, बाकी लोग वरुण, सारा, वेदांत. मैम बी. वेरी गुड, राइट राइट. आई थिंक सबको समझ में आया इसका आंसर बी क्यू है. परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार एंड जीप. तुम लोगों को पता है हैविंग का मतलब होता है क्या? हैविंग का मतलब खाना. जैसे सपोज ये मार्कर मत समझो, इसको बर्गर समझो. ठीक है, बर्गर खा रहे हम लोग, तो खा रहे तब हम लोग क्या बोलते हैं कि आई एम हैविंग बर्गर और आई एम हैविंग पिज्जा, राइट? दैट इज योर हैविंग. तो क्या कार और जीप को हम लोग खा सकते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार एंड अ जीप. क्लियर?
दिस वॉज ईजी राइट एवरी वन. देखो आंसर यही है. आई एम हैविंग को चेंज करके हैव मीन्स टू पजेस. ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ क्विक. आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब. ए ए लग रहा है. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ई. वरुण इज सेइंग ई. ओके फाइन गाइस सी या आंसर ओवर हियर इज बेड वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ बिड. ठीक है टेक्स प्लेन इन्फिनेटिव आफ्टर इट एंड नॉट इन्फिनेटिव. मतलब टू प्लस वी वन नहीं लेगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे चेंज टू सबमिट इन टू सबमिट. ठीक है सो सी हियर आई बेड हिम टू सबमिट नहीं होगा. क्या होगा? आई बेड हिम सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब. ठीक है ओके क्या आएगा? आई बेड हिम सबमिट नॉट टू सबमिट. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट. Mrs. Dorai would rather spend a quiet evening than attending a party. Answer. इसका आंसर क्या बोल रहे हो तुम लोग? ओके विकास इज सेइंग सी. यस यू आर राइट. ओके फाइन गाइस आंसर इज सी. मिसेस दोराई वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैन अटेंड अ पार्टी. ठीक है दैन अटेंड अ पार्टी ना कि देन अटेंडिंग अ पार्टी. वो क्यों? इसीलिए वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. यूज अटेंड आफ्टर देन बिकॉज वुड रैदर इज फॉलोड बाय वी वन. ठीक है एंड आफ्टर दैट देन द फॉर्म वी वन. ओके फाइन सी हियर गाइस देन रैदर देन हम लोग बोलते हैं रैदर देन अटेंड. ये सारा चीज है ना कट कर दो माइंड में इतना रखो रैदर देन अटेंड अ पार्टी. सो नो नीड टू यूज आई एन जी ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल. नो एरर. ओके सी. वेरी गुड वरुण एंड विकास एंड सारा एवरी वन यू आर राइट. सी आंसर आएगा इसका द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम. नहीं आएगा. क्या आएगा? सिर्फ स्विम. ठीक है चिल्ड्रेन स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल. ओके व्हाई नॉट टू क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? आफ्टर लेट रिमूव टू. ठीक है वी वन यूज करना है हमें. नेक्स्ट टेंथ Walking along the bank of the river, the road began to rise. No error. ये बहुत इजी है तुम लोग कर सकते हो. आंसर बताओ जल्दी. ओके विकास इज सेइंग डी. ओमकार इज सेइंग डी. And let me tell you all, you all are wrong. Okay, very good, Varun. You are right. Answer is A. ठीक है क्या है आंसर यहाँ पे? Walking along the bank of the river, the road began to rise. No error. ठीक है Walking along the road कब? ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कब, तो हम लोग ये ऐड करेंगे जब मैं चल रहा था. जब मैं, तुम लोगों ने स्टोरी सुना रहेगा ना, जब मैं
छोटा बच्चा था जब मैं गा रहा था, वैसे सब. तो ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में ऐड करेंगे, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर. ओके, सो आंसर इज पार्ट ए. ठीक है, नेक्स्ट 11th वाला. ओके, लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन गाइज. यू कैन डू दिस एट योर होम. आई थिंक वी कैन सॉल्व सम फिल इन द ब्लैंक्स. ये दिया हुआ है यहाँ पे शायद, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, लेट्स सॉल्व इन सम फिल इन द ब्लैंक्स गाइज क्विकली. बहुत ईजी है ये. यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? क्या लग रहा है जल्दी? बी, वरुण इज सेइंग बी, राइट? व्हाट अबाउट रेस्ट? यू आर राइट वरुण, द आंसर इज बी. यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, मतलब ये क्या है, ये है ना कंपल्शन है. यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील. ठीक है, नेक्स्ट. करते हो क्या तुम लोग? नहीं करते हो. आंसर क्या है? बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. द बॉयज, क्वेश्चन नंबर टू, द बॉयज डैश द ट्रेन हार्ड इफ दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन. ये तो बहुत ईजी है, जल्दी आंसर. ओके, आंसर ओमकार इज सेइंग सी. व्हाट अबाउट रेस्ट गाइस? शाल कैसा है ओमकार? शाल गलत है. ओके सारा, यू आर राइट. द आंसर शुड बी डी, द बॉयज मस्ट ट्रेन हार्ड इफ दे वॉन्ट टू विन द कॉम्पिटिशन. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके गाइस, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम नेटवर्क इशू. ओके, वेयर वर वी? क्वेश्चन नंबर, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ओके गाइज, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन. विल डू वन थिंग, आई विल शेयर द PDF इन द ग्रुप. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, आई थिंक देर आर समथिंग अराउंड कितने 30 से भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस डाले हुए उसमें PDF में. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गाइज. एनी डाउट्स लेट मी नो. ओके, यू ऑल कैन इवन टाइप इन यू नो ग्रुप, रिबेका मैम वाले ग्रुप में डाल दो, मैं तुम लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, ओके फाइन गाइस. कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आवाज आ रही है मेरी? मैम आई एम नॉट देयर इन द ग्रुप. ओके सर, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू. दोज ऑल आर नॉट देयर इन द ग्रुप गाइज, आई हैव जस्ट सेंड द लिंक टू यू ऑल. ओके, लिंक इज ओवर हियर. You all can join this channel. Here you will get a newspaper. Okay? ठीक है, चलो. Thank you so much guys. ये आज का homework है तुम लोगों को. वो जो बचे हुए I guess 25 questions है, वो तुम लोगों को solve करना है खुद से. ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना. Okay? Okay everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye miss. Bye.